गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम एट फिल अप होम। दिस इज सुखवंती गोस्वामी। आई टेक इंग्लिश ग्रामर क्लास। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, संडे को हमारा मैराथन हो चुका है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक की, बार बार रोंग हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस सब का थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी सभी क्लासेस का टाइम टेबल है। जिस स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया है वो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यस, इंग्लिश क्लास ऑलवेज विल बी एट 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्विकली कीप ऑन द जॉइनिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और आपकी साइंस की क्लास 12 दिसंबर से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको सीटेट की ऑनलाइन क्विज फॉर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए क्विजेज मिल रही हैं, तो आप लोग क्विज जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की स्पीड इंक्रीज हो जाए। यस स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कंफर्म इज एवरीथिंग फाइन। ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन। व्हाट हैपन्ड नो स्टूडेंट्स जॉइन टिल नाउ। ओके, गिव मी 2 मिनट, आई शेयर द क्लास। यस, जिसने फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट मिलती रहती है। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर यू। व्हाट हैपन। क्या बात है भाई, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। वेरी गुड इवनिंग टीना। अच्छा, उस दिन आपके कितने मार्क्स हुए थे इंग्लिश में, किसमें मिस्टेक हुई थी, आज हम थोड़ा सा वो सब रिवाइज करेंगे। यस टीना, मेक मी कंफर्म इज एवरीथिंग फाइन ऑडियो वीडियो। यस, वेरी गुड इवनिंग स्वाति। यस, वेरी गुड इवनिंग संतोष। हाँ, एक बार सभी मुझे बताएं उस दिन इंग्लिश में आप लोगों के कितने मार्क्स बने थे। किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी लगी, कौन सा टॉपिक हम दोबारा से करवाएं कि आपके मार्क्स अच्छी तरह बन जाएं। वेरी गुड इवनिंग रघुवीर गोस्वामी जी, मोस्ट वेलकम एट फिलअप होम। आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट्स एट फिलअप होम। वेरी गुड इवनिंग बबली चंचल। यस, आप लोगों ने संडे की मैराथन क्लास ज्वाइन की थी। ओके, 29, तो काफ़ी रॉन्ग हो गए थे। अ
अच्छा, कुछ रीजन बताएंगे क्यों रॉन्ग हुए? चलो, तो इसका मतलब हमें वो सब क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेने चाहिए। ओके, वेरी गुड इवनिंग प्रीति। हाँ, सभी एक बार बताएं। देखो, इसमें शर्माने की बात नहीं है, इससे आपका इवैल्यूएशन होगा कि कितने समझ में आए और कितने नहीं आए, ताकि मैं आप लोगों को वो दोबारा से समझा दूं और फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, ओके संतोष, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 34। ओके, इसका मतलब जो स्टूडेंट्स मेरी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं तो उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। ओके, और स्वाति देसवाल जी, आपने शायद अभी थोड़े दिन से ज्वाइन किया था, तो इसका मतलब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो दोबारा रिपीट करने की नीड है। ओके, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं रघुवीर जी। ओके स्वाति, जल्दी जल्दी में रॉन्ग हुए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अभी रिपीट कर दूँ सभी क्वेश्चन, फिर कितना मार्क्स लोगे? 40 में से 40 आ जाएंगे। ओके, जल्दी 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 में रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जल्दी नहीं करनी है। यस बबली चंचल, आपके कितने बने? कोई बात नहीं, बहुत कम थे, इसका मतलब आपने लेट ज्वाइन किया। ओके, ओके, कोई बात नहीं, 16 हुए। ओके ठीक, तो अभी आज दोबारा रिपीट करूं क्या? अगर चाहते हो कि दोबारा डिटेल में समझाऊं तो वो मैंने सारी ओपन कर रखी है। अगर आप चाहते हो कि वही 40 क्वेश्चंस मैम दोबारा ले आओ तो वो दे देती हूँ, क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास हैं अभी। आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, थोड़ा स्पीड तेज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ओके, और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश में, मैं आपको वो दोबारा समझा सकती हूँ डिटेल में अगर आप चाहो तो, लेकिन उसको आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर देना कि मैम हमें अच्छी तरह समझा दो, तो मैं वो भी कर दूंगी, क्योंकि हमारा मेन एम है बस कि आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो जाए, वो भी अच्छे मार्क्स से। वेरी गुड, बहुत अच्छा संतोष, टीना। देखो बबली, आप यहाँ भी कंफ्यूज हो गए। हो सकता है बबली जी आपने मेरी सभी क्लासेज अटेंड नहीं की है। देखो, आप ध्यान से करो, कोई नहीं, मैं ज्यादा टाइम दे दूंगी थोड़ा सा। रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। देखो, इसमें शेडो वाली बात तो आती ही नहीं। आप स्टोरी रीड कर रहे हो, नॉवल रीड कर रहे हो, एक तो गहन अध्ययन हो गया, एक थोड़ा बाहर का अध्ययन हो गया, तो लाउड और शैडो तो इसमें बात ही नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, वो रीडिंग हुई, या फिर शैडो वाली कोई रीडिंग होती नहीं है। ठीक है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में से आपको बताना है। इंटेंसिव होता है आपका गहन अध्ययन, जो मैंने अच्छी तरह समझाया था, ठीक है, और एक्सटेंसिव जैसे रीडिंग में और स्टडी में डिफरेंस होता है। चलो, आज मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी? आप रीड करना भी, रीडिंग
और स्टडिंग। रीडिंग या स्टडी में क्या डिफरेंस है? देखो, वही बात हो गई आपकी एक्सटेंसिव की और इंटेंसिव की। रीडिंग जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोवेल पढ़ते हो, ठीक है, जो आपका गहन अध्ययन नहीं होता। और स्टडी जो आप स्कूल की आपकी सिलेबस की जो बुक पढ़ते हो, वो होती है आपकी स्टडी, सिलेबस से रिलेटेड। तो वो आप गहन अध्ययन करते हो। न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ते हो? पूरा याद रखते हो क्या उसके A to Z? नहीं। हाँ बिल्कुल मिलेगा रघुवीर जी, सभी का PDF मिलेगा। हाँ, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो और जल्दी भी मत करो। यस बिल्कुल, जिसके विच इज फंक्शन वर्ड। हाँ बिल्कुल टीना, यस, ये डिफरेंस होता है फिर आपका एक्सटेंसिव में और इंटेंसिव में। तो ऐसे ही हमारे रीडिंग नॉवल हो गए तो वो एक्सटेंसिव हो गए। ठीक है रघुवीर जी, आप फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर ले, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा साइड में, राइट में, तो इस नंबर पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले ले सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब इसमें तो किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस, वेरी गुड इवनिंग भूमिका। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स, द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोगों को क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को नोट्स, PYQ, MCQ, मॉक टेस्ट, ये सब मिल रहे हैं। ओके वेरी गुड, चलो आज भी आप लोग अपने मार्क्स बताइएगा। हाउ मैनी डिफ्थोंग्स वाउल साउंड। ठीक है रघुवीर गोस्वामी जी, आप न्यू हैं तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, बाकी जो मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पता है। ठीक है, टोटल साउंड कितनी होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, साउंड्स कितनी होती हैं रघुवीर जी, आप राइट कीजिएगा। 44, ठीक है, फिर 44 को हम डिवाइड कर देते हैं वाउल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में। ओके, आज भी देखो मिस्टेक आ रही है, स्वाति, संतोष और टीना जी, टीना का ठीक है बिल्कुल, हाँ अभी संतोष ने ठीक कर दिया। ओके ओके ओके, हाँ देखो रघुवीर जी, आपको नहीं पता है अभी डिप्थोंग वाउल का, आपने सिर्फ आइडिया से बता दिया कि वाउल 5 होते हैं, तो इसलिए आपने साउंड 5 दे दी। आई थिंक आई एम राइट, तो ऐसा नहीं है। देखो हमारी टोटल साउंड 44 है, ये फिर है हमारी वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। एक बार सभी स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड अपने चैट बॉक्स में राइट करते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है हमारी 24, तो हमारी वाउल साउंड बच गई 20। और वाउल में भी फिर हमारे होते हैं टू टाइप, डिप्थोंग और मोनोप्थोंग।
तो डिप्थोंग होते हैं हमारे 8 और मोनोप्थोंग होते हैं हमारे 12। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका डिप्थोंग का आंसर हुआ 8। क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, आप लोगों को मैराथन क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? यस। चलो, ये हमारा दोबारा से आ गया है शायद। निशा शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। आपने 5 क्या लिखे? व्हाट हैव यू रिटन दिस? 5? 5 वाउल लेटर्स? ओके, थैंक यू भूमिका संतोष। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो जल्दी से। हाँ, इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द टीचर ट्राइज टू। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है टीना जैन ने। बिल्कुल सही आंसर आया बबली चंचल का भी। वेरी गुड। यस रघुवीर जी, आपका भी बहुत अच्छा। संतोष, निशा, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट। स्वाति देसवाल जी ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, अभी आ गए आपके प्योर वाउल। प्योर वाउल किसको बोलते हैं? ये भी मैंने अच्छी तरह करवाया है। इंग्लिश में आपको पैडागोजी में, पैसेज में या ग्रामर में, अगर किसी में प्रॉब्लम है और किसी में स्पेशल क्लास चाहते हो तो बता देना। कौन सा टॉपिक आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है वो भी बता देना, ताकि हम लोग और कोशिश करें कि इजी वे से आप लोगों को समझाएं। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। डिप्थोंग ग्लाइडिंग वाउल होते हैं। प्योर वाउल आपके मोनोप्थोंग वाउल। फंक्शन वर्ड्स
यस, जल्दी आंसर दें। देखो, मोनोफोन सिंगल वाउल साउंड होते हैं, तो उनमें से एक ही साउंड निकलती है, इसलिए उनको हम प्योर वाउल कहते हैं। ठीक है, पेडागोजी भी करवा देंगे। ठीक है, ये पेडागोजी के ही क्वेश्चन है आपके। ओके, बिल्कुल सही है सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। टीना, डिप्थोंग क्या लिखा है? प्योर वाउल नहीं, प्योर वाउल नहीं होता डिप्थोंग। डिप्थोंग ग्लाइडिंग वाउल होता है, दूसरा नेम, और प्योर वाउल आपका मोनोफोंग ही होता है क्योंकि वो सिंगल वाउल साउंड है। डिप्थोंग में आपके टू वाउल साउंड के मिलके साउंड आती है। बिल्कुल सही आंसर, संतोष, रघुवीर जी, स्वाति, बबली चंचल, बिल्कुल सही आंसर आया। वेरी गुड। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी है। आता आप लोगों को सब कुछ है कि आता नहीं, सब आता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की और आंसर छाटने की हैबिट नहीं है। जो हर रोज ऐसे हम टेस्ट लेके आएंगे तो इन्हीं से आपकी हैबिट बनेगी, है ना? आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो एक बार थम कर दे सभी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की जरूरत है, तो हर रोज आप लोग एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही रघुवीर जी, मोनोफोंग 12 हैं, डिप्थोंग 8 हैं। यस प्रीति, 1 मिनट, आप 8 का 1 कैसे बोल रहे हो? 8 का डी आएगा। ऑप्शन सभी पढ़ लें एक बार, मैं भी देख लेती हूँ आप कैसे 1 बोल रहे हो। 8, अच्छा 8, ओके ओके 8 मैंने भी नहीं पढ़ा। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनविटेबल सिंस। नहीं, ऑप्शन डी होगा प्रीति, ऑप्शन डी होगा। इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये मैंने समझाया भी था। ओके, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थम करते जाएं। टॉप डाउन अप्रोच, हाँ ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, बिल्कुल सही आंसर आया है इसका, टॉप डाउन अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या बात है, आप इसमें फिर कंफ्यूज हो रहे हो, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। टीना जैन का ठीक है, सिर्फ ओनली टीना का ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ, टीना और रघुवीर जी का भी ठीक है। हाँ संतोष, 8 का 4th राइट है, और प्रीति का भी ठीक है, 9 का 1 ठीक है। हाँ प्रीति का भी ठीक है। निशा, आपका रोंग हो गया। ये टॉप डाउन अप्रोच है, आपने टॉप अप अप्रोच बता दी। वेरी गुड इवनिंग सबिता। चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, जैसा कि नेम से है, टॉप डाउन क्या है? आप टॉप पर हो और टॉप से नीचे आ रहे हो, टॉप से नीचे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है ना? ये आप नीचे आ रहे हो, ये तो हो गई आपकी टॉप डाउन। और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये हो गई आपकी डाउन टू
अप्रोच, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। तो अभी कौन सी है हमारी, टॉप डाउन, यानी कि जो ऊपर सबसे ऊपर बनता है उससे वापिस उल्टे चलते रहना, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है, लास्ट में आपका क्या बनता है, सेंटेंस किससे बनता है, फ्रेज से। फ्रेज किससे बनते हैं, वर्ड से। वर्ड्स किससे बनते हैं, अल्फाबेट से, लेटर से, ठीक है। और फिर अगर इससे ऊपर और होता कुछ ऐसे स्टोरी, तो वो और ऊपर होता। तो जिसने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। यस बबली चंचल, समझ नहीं आया, अभी भी नहीं आया क्या? देखो ये टॉप से आप वापिस आ रहे हो, सबसे पहले आप क्या सीखते हो, अल्फाबेट ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका सबसे नीचे रह गया। फिर क्या बनते हैं आपके, ए बी सी डी जोड़ के, सी ए टी जोड़ के क्या बन गया, मान लो आपने सी सीख लिया, ए सीख लिया, टी सीख लिया, अल्फाबेट सीख लिए, तो क्या बन गया फिर आपको, वर्ड बनाना आ गया। हाँ, वर्ड बनाना आ गया। फिर ऐसे ही करके आपको एक से दो वर्ड बनाने आ गए, दैट बन गया, दैट कैट, क्या बन गया, दैट कैट। तो ये हो गया आपका फ्रेज, ये क्या हो गया आपका फ्रेज। देखो सबसे छोटा क्या है आपका, अल्फाबेट या लेटर, फिर आपका वर्ड, फिर आपका फ्रेज, फिर फ्रेज के बाद क्या बन गया, सेंटेंस। फ्रेज जोड़ जोड़ के क्या बना दोगे, सेंटेंस। तो यहां पर आपका सबसे ऊपर क्या है, सेंटेंस। तो ऐसे ही जाना हमें ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर क्या है, सेंटेंस, फिर क्या है, फ्रेज, फिर क्या है, वर्ड, फिर क्या है, अल्फाबेट। ओके, हाँ ये हो गई आपकी टॉप डाउन, जो ऊपर से नीचे और जो नीचे से ऊपर जाए उसको बोलते हैं टॉप अप, ठीक है, डाउन टू अप भी समझ सकते हो आप, ठीक है, डाउन टू। ओके, डाउन में सबसे नीचे क्या है आपका, वर्ड, ये फिर ऐसे बनते जाएंगे। अभी भी समझ नहीं आया क्या, अगर समझ आ गया है तो एक बार थम कर दो। देखो हमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी टेस्ट किया है तो उससे हमें पता चला कि किसमें क्या मिस्टेक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी मिस्टेक करते हो, ठीक है, तो इसलिए बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि उनकी कमी पता चले और उसको दूर करें, ठीक है। यस, ऑप्शन ए। अभी आ गया आपका ग्लाइडिंग वाउल। ग्लाइडिंग वाउल किसको बोलते हैं, अब जैसा कि आप लोगों को बताया था मोनोफोंग क्या था आपका, प्योर वाउल, कॉन्सोनेंट वाउल है ही नहीं तो ये तो कट हो गया, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। देखो मोनोफोंग आपने अभी पढ़ा था क्या, प्योर मोनोफोंग क्या था आपका, प्योर वाउल, या फिर आप इसको बोलते हैं, बोल सकते हो सिंगल, सिंगल वाउल साउंड, सिंगल वाउल साउंड, जिससे ओनली वन साउंड आए, तो जिससे वन साउंड आएगी तो इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। और वाउल साउंड बोला है, जैसे ग्लाइडिंग वाउल पूछा है तो कॉन्सोनेंट तो है नहीं, कॉन्सोनेंट तो अलग चीज हो गई, और नन है नहीं, तो क्या बचा आपका, डिप्थोंग। अच्छा आप लोगों ने बताया नहीं टॉप डाउन अप्रोच समझ आई या नहीं, स्पेशली बबली चंचल।
ठीक। और एक आप लोगों को इंग्लिश से डरना नहीं है बिल्कुल भी, कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के समझने की हैबिट डालनी होगी। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग सना शेख। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, अभी देखो, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद। नोट मेकिंग में से और नोट टेकिंग में से एक आपका पक्का आएगा। वेरी गुड इवनिंग मनीषा। जो स्टूडेंट्स डेली क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं या मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, यही कारण है कि उनके मार्क्स कटे हैं। अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं था मार्क्स कटने का। देखो, मैंने नोट टेकिंग अच्छी तरह समझाया है, नोट मेकिंग भी अच्छी तरह समझाया है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया है सना। वेरी गुड इवनिंग अरुण कुमार जी। आपने ये दोनों ऑप्शन कैसे दे दिए? 2 2 3 3। यस, नोट टेकिंग क्या होता है और नोट मेकिंग क्या होता है, ये सब हमें दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। देखो, नोट मेकिंग आप जो नोट्स बना रहे हो, बना कैसे रहे हो, रिपोर्ट कैसे दे रहे हो लिख के, ठीक है, तो हो गया आपका राइटिंग, जिसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। फिर नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग, यस, नोट टेकिंग। और मुझे बता दे, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव मेड अंडरस्टैंड नोट टेकिंग, नोट टेकिंग, नोट टेकिंग क्या होता है? चैट बॉक्स में राइट करें। नोट टेकिंग कौन सी स्किल में आएगा आपका? रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में या स्पीकिंग में? यस टीना, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग वर्ड नहीं, ग्लाइडिंग वाउल भी कहते हैं। यस स्वाति, बिल्कुल लिसनिंग में, क्योंकि नोट्स हम टेक कर रहे हैं, यानी अब समझ रहे हैं, माइंड में डाल रहे हैं और टीचर से हम सुन रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। कंटिन्यू अगर आप ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल भी आपको इंग्लिश का कोई फियर नहीं रहेगा। देखो, बोलते हैं ना, करत करत, क्या बोलते हैं वो, नंबर्स हो सकता है इधर उधर हो, 13 14 को इधर उधर हो गया होगा कोई, वैसे सीक्वेंस में ही है। हाँ बिल्कुल, सुन के जो हम करते हैं लिसनिंग, बिल्कुल रघुवीर जी। हाँ, अभ्यास करने से ही आप लोगों को आएगा। एक कहावत है ना, वो संस्कृत में आती है, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान, तो वही बात है। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो माइंड में थोड़ा बहुत तो चला ही जाएगा।
हाँ बबली चंचल, आप लोगों ने शुरू से नहीं देखी है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का क्लियर कर दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम मैराथन लाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम होंगे, और फिर आपका इवैल्यूएशन करके फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड बबली चंचल, आपका 13 रोंग हो गया है, और मनीषा का भी रोंग हो गया है, और स्वाति का भी रोंग हो गया है, और बबली चंचल का भी, रघुवीर जी किसने दिया ये, एक और संतोष 13 का डी, हाँ संतोष का भी रोंग हो गया, क्या बात है। देखो साइट वर्ड मैंने समझाए थे जो हम देखते ही पहचान लेते हैं, जो वर्ड्स हम देखते ही पहचान जाते हैं, जो वर्ड्स हमारे फैमिलियर हो गए हैं, जो वर्ड्स हम डेली लाइफ में कॉमनली यूज करते हैं। और देखो ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, हार्डली और दोनों ऑप्शन अलग हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकते। हार्डली का मतलब होता है जो चीज हम मुश्किल से देखते हैं, जो चीज मुश्किल से मिलती है। हो सकता है आप लोगों को मीनिंग की प्रॉब्लम हो, लेकिन छोटे छोटे मीनिंग तो आप सीख ले तो अच्छा है। हार्डली जो बड़ी मुश्किल से मिले, स्केयर्सली, ठीक है, ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ऑल तो हो नहीं सकता। और फिर बात है यू हैव नो नॉलेज, और मैंने आप लोगों को बताया है साइट वर्ड्स, साइट ये समझ लो बिल्कुल आपकी आईज के चारों तरफ, आपकी आईज के जो वर्ड्स बिल्कुल चारों तरफ होते हैं, दैट दिस दैट दिस, मान लो ये आपके चारों तरफ रहते हैं, जो वर्ड आप देखते ही पहचान जाते हो वो होते हैं आपके साइट वर्ड्स। एक ही आंख बनाइए, देखो भैया अजीब लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बनाइए, जो हमेशा आपकी आंखों के सामने वर्ड रहते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो वर्ड्स आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, जो आप देखते ही पहचान जाते हो, कॉमनली यूज करते हो, ठीक है, अगर अब कभी दोबारा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज रोंग मत करना। होलिस्टिक इवैल्यूएशन मतलब समझ लो होल डेवलपमेंट ग्रोथ, बच्चे की होल डेवलपमेंट ग्रोथ सीखने के लिए आप कौन सा इवैल्यूएशन करते हो, चहुमुखी विकास चेक करने के लिए, ठीक है, तो आप लगातार कॉम्प्रिहेंसिव से कि उसने कितना समझा, अंडरस्टैंडिंग स्किल चेक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग आर के, राधा प्रजापति जी वेरी गुड इवनिंग, यस 14 का होगा आपका ऑप्शन। अभी आ गई आपकी, देखो बॉटम अप अप्रोच अभी मैंने सिखाई थी, तो अभी तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अभी टॉप डाउन अप्रोच सिखाई थी मैंने, अभी आ गई आपकी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम का मतलब होता है नीचे से ऊपर, ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बॉटम बॉटम हो गई आपकी, ये नीचे तलहटी से याद रख लो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये हो गई आपकी बॉटम। अब देखो बॉटम में सबसे नीचे कौन सा वर्ड आता है, और फिर कैसे आपके सेंटेंस बनते हैं, क्या पैटर्न है, ठीक है, अभी रोंगनी होनी चाहिए, बॉटम से ऊपर,
नीचे से ऊपर। यस टीना, फिर आप कंफ्यूज हो गए हो। वो थी हमारी टॉप डाउन। टॉप में सबसे ऊपर सेंटेंस बना था, सबसे नीचे हमारा क्या बना है? अल्फाबेट, या अगर लेटर मिलते हैं तो लेटर्स। सबसे नीचे क्या होता है आपका? ये। फिर आपका क्या बनता है? वर्ड। फिर क्या बनता है? फ्रेज। फिर क्या बनता है? सेंटेंस। तो अभी हमें जाना है बॉटम अप, बॉटम से ऊपर। तो सबसे पहले हमें देखना सबसे छोटा क्या है, फिर सबसे उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है। और बताओ क्या तरीके यूज करूँ समझाने के? और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आप लोगों का। घुमा फिरा के कैसे भी दें, लेकिन बस आपको ये चीज समझनी है कि ये क्या होती है। चलो देखते हैं किस किसने ठीक दिया है। क्वेश्चन 15 का मनीषा का सही है बिल्कुल। एस के जलालुद्दीन, गुड इवनिंग, आपका रोंग हो गया। टीना ने अभी दोबारा दिया है, शायद सही है। और सबिता का भी रोंग हो गया। बबली चंचल का सही है। सना शेख ने इरेज कर दिया। ओके, राधा प्रजापति का सही है। ओके टीना, अभी समझ आ गया? वेरी गुड। चलो क्लास कैसी लग रही है एक बार बताते भी जाएं। चलो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज मेड इन द ईयर। वेरी गुड इवनिंग द गंगा। ओके वेरी गुड। ओके थैंक यू सना, थैंक यू राधा प्रजापति, बबली चंचल, टीना जैन, अरुण कुमार। ओके थैंक यू एवरीवन। हाँ संपूर्ण विकास। यस बिल्कुल सही है सबका आंसर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी स्लो लगती है तो बता दो, स्पीड कर देंगे। और स्पीड तो ज्यादा वैसे है नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए ही मैंने थोड़ा धीमे रखी है। वेरी गुड इवनिंग सोनम। यस टीना का बिल्कुल सही आंसर है, और संतोष का भी, और रघुवीर जी का भी। यस टीना, टू टाइम आंसर मत दो, कंफ्यूज नहीं रहना दूसरों को देख के। एस के जलालुद्दीन जी का रोंग हो गया। यस बबली चंचल का ठीक है। अब देखो, अगर आप ही समझ लो, बच्चों में आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? बच्चे को रीडिंग न्यूज़पेपर दोगे कि इसकी हैबिट डालो, बच्चे को लाइब्रेरी में लेके जाते हैं स्कूल में, है ना, और बच्चों को बुक्स भी कौन सी दिखाते हैं? मैप की, पिक्चर की। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हो
हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। ये आपका ट्रू टाइम आ गया है। यस कभी भी हमें दूसरों का देख के आंसर नहीं देना है। हाँ कोई बात नहीं थी ना। अपने पर विश्वास रखिएगा, खुद पर अगर आप खुद पर खुद ही विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरा कौन आप पर विश्वास करेगा। ठीक है ना, तो एक दूसरे का देखो ही मत कि कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपना सोचो। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। सोनम का, स्वाति का, टीना का, रघुवीर जी, ओनली एग्जाम के लिए तैयारी करना इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे क्लास देख लो, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, टीचर स्कूल में आप पढ़ाते भी होगे, तो जो इंटरैक्टिव क्लास रहती है बच्चों का, एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्शन रहता है, जैसे आप समझा रहे हो टीचर के साथ, बच्चे का जो तालमेल रहता है, अगर टीचर समझा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, बच्चा उसमें एक्टिव है, तो वो क्लास आपकी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, यस, द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा को सीखने का सही टाइम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20। यस हाँ, देखो अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बड़े बच्चे होके समझना, नहीं, बड़े बच्चे होके आप सेकंड लैंग्वेज आसानी से नहीं सीख पाते हो। सेकंड लैंग्वेज सीखने की सबसे सही एज रहती है अर्ली चाइल्डहुड। तो जिसने अर्ली चाइल्डहुड दी है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, उसका सही है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, मेटा लिंग्विस्टिक है बहुभाषावादी, ज्यादा भाषाओं का प्रसार आप कैसे करोगे, उसके बारे में जागरूकता कैसे फैलाओगे। कोई बात नहीं संतोष, हो जाता है। थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगी, थोड़ा सा एक ऑप्शन में। यस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है वन से ज्यादा। ठीक है, तो सही आंसर है सबका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही।
अभी आ गए आपके हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दे क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है। उस दिन से आप लोग अपसेट तो नहीं बैठे हो कि हमारे इंग्लिश में इतने नंबर चले गए। कोई बात नहीं, जितने रोंग हुए हैं वो आपके सारे पक्के हो जाएंगे। यस स्वाति देसवाल, बबली चंचल, यू आर मेकिंग मिस्टेक अगेन। थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो अभी बताया था मैंने आप लोगों को टोटल 44 साउंड होती हैं, फिर वो वाउल कॉन्सोनेंट में डिवाइड होती हैं। वाउल आपके 20 हैं, कॉन्सोनेंट आपके 24 हैं। राधा प्रजापति 22 का डी रोंग है। यस प्रीति का भी सही है और बबली चंचल का भी सही है। स्वाति देसवाल ने क्या दिया, 22 का डी सही है बिल्कुल। रघुवीर जी ने 24, हाँ सही है। सोनम का रोंग हो गया, डी नहीं आएगा। और राधा प्रजापति का रोंग हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 24 होते हैं, आगे मिस्टेक ना होए, ठीक है। हाँ आपकी रिसेप्टिव और ये सब मैंने स्किल करवाई थी। इसमें से बताएंगे आपकी कौन सी रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव को मैंने निमोनिक से भी लर्न करवाया था, एक्सेप्ट करके, है ना। यस जिसने ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन बी दिया है, वो सही है। यस सोनम का सही है, संतोष का सही है, राधा प्रजापति का सही है। और अभी रघुवीर जी ने क्वेश्चन नहीं लिखा, ये कौन से का है। यस संतोष, लिसनिंग एंड रीडिंग। सना शेख का रोंग हो गया। यस कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में राइट कर लें। देखो लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग कर रहे हो तो आपके आवाज इनपुट हो रही है, रीड कर रहे हो तो वो भी आप अपने अंदर नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो, तो वो रिसेप्टिव हो गया, ठीक है। ओके रघुवीर जी, फिर इसका मतलब आपका रोंग हो गया, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अभी याद रखो लिसनिंग कान से आपके अंदर जा रही है तो इनपुट हो रहा है, रिसेप्टिव यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसे याद रख लो। ये रिसेप्टिव स्किल होती है, लिसनिंग और रीडिंग। फिर आपके लेक्सिकल वर्ड्स कौन से हैं जिनका खुद का मीनिंग होता है। लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं और इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इफ यू नो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। हाँ टीना, बाकी सबका सही है, जिसका रोंग हुआ मैंने उनको बता दिया, वेरी गुड। बाकी सभी का सही है, एक दो बच्चे का रोंग हुआ है। यस हाँ स्वाति देसवाल का 24 का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही। टीना का भी सही।
यस सोनम, आप कंफ्यूज हो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी ऑप्शन भी रीड कर लो। आपने सिर्फ एक ही रीड किया है, नीचे वाले आपने रीड नहीं किए। ध्यान से रीड करो ऑप्शन सभी। यस अरुण कुमार, एक मीनिंग आपने सही ढूंढ लिया, इसका खुद का मीनिंग होता है, लेकिन इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो दूसरा नाम है कंटेंट वर्ड्स। दूसरा नाम क्या है इसका? कंटेंट वर्ड्स। और फिर प्रिंसिपल एक वर्ड है जो खुद में मीनिंग रखता है, प्रिंसिपल से आप समझते हो प्रिंसिपल, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यस बिल्कुल सोनम, लगता है बहुत एक्साइटेड है। वेरी गुड, ऐसे ही सभी ने एक्साइटेड होके आंसर देने हैं, अच्छा लगता है। अगर थकावट भी है तो भी एनर्जी आ जाती है फेस पर। वेरी गुड, ऐसे ही बजाते रहो, ऐसे ही करते रहो, कोई बात नहीं। रॉन्ग होता है तो क्या हुआ, हम तो मस्त होके करेंगे भाई सभी क्वेश्चन, है ना सोनम? वेरी गुड। चलो इसका बड़ा जल्दी आंसर आ गया है, कोई बात नहीं। हाँ ये था एक आपका, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर, ये आपका इडियम्स है। इडियम और फ्रेजेस भी आपके आएंगे, तो हर रोज के अगर आप 5-5 कर सकते हो, आपके पास बुक्स होंगे उनमें से, तो बहुत अच्छा है, डेली हैबिट बना लो। बिल्कुल, गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? अगर सीख रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव वे दिखा रहा है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, संतोष को बिल्कुल अच्छी तरह याद है। वेरी गुड, बबली चंचल बिल्कुल सही। हाँ, और किसने दिया है? 2 टाइम संतोष ने दिया है, बबली, राधा, सना शेख, सोनम, बिल्कुल। आप लोग भी सब हैप्पी हो जाओ भाई, सोनम की तरह आंसर दो। यस वेरी गुड, चलो सभी का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी खत्म और टाइम भी आपका होने वाला है। एक बार बता दें क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन होते हो, अगर एकदम क्लास के टाइम पर ज्वाइन हो जाओ तो आप लोगों की फीड भी मिल जाए और पता भी चल जाए। होमलेस, बिना घर के नहीं, होमलेस में और अनकंफर्टेबल में डिफरेंस है, ठीक है? अनकंफर्टेबल वो होती है जो बिल्कुल ही बेचैन होती है, तो आप पानी से बाहर फिश को निकालोगे तो क्या होगी? बिल्कुल बेचैन होगी, ठीक है? ओके थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही हर रोज क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। बुक सभी अच्छी होती हैं, बुक सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा, अगर सब्जेक्ट वाइज चाहते हो कि सभी में मार्क्स अच्छे आए, तो एक तो डेली क्लास ज्वाइन कर लें। हर रोज जो हमारे एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट ये सब मिल रहे हैं, ये सब ले लें, ठीक है? बुक सभी एक जैसी हैं रघुवीर जी, कोई भी बुक ले लो और उसको अच्छी तरह पढ़ो। अगर आपको लगता है आप हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ो, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में समझ में आती तो इंग्लिश में ले लो, ठीक है? और हिंदी में है तो हिंदी व्याकरण की बात करें, आपका हिंदी पेडागोजी की बात करें, तो सभी सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है? और टाइम भी आप लोगों का बच जाएगा, तो सभी आप उसमें से प्लेलिस्ट में से सभी यूट्यूब की वीडियोस निकाल के काम भी करते रहो, देखते भी रहो, समझ में भी आ जाएगा।
ऑलमोस्ट उसमें से हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलेंगे 7 PM पर। ठीक है, हर रोज 7 बजे शाम को इंग्लिश की क्लास होती है, और वो भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैम कुछ और करवाओ प्लीज, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी राइट कर दो कि मैम ये टॉपिक चाहिए, इसमें थोड़ा डाउट है, और सेल्फ स्टडी की हैबिट डाल लो थोड़ी सी, खुद भी थोड़ा सॉल्व कर लो, उससे भी आपको आइडिया आएगा कि कहाँ क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। देखो वैसे तो मैंने इस टाइप के भी डाले थे, क्या बात है भाई, बंद कर रही हूँ, अभी टाइम हो चुका है, आप ये सब देख सकते हो।